प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखना पॉसिबल हो सकता है एग्जामिनर का। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझें। आपसे कह रहा विच टर्म ऑफ एपी, एपी की ये वाली टर्म देखो, 121 से 117 हो गई, 117 से 113 हो गई, ऐसे ये डिक्रीजिंग नेचर की है। जब डिक्रीजिंग नेचर की है तो आपसे कह रहा है कि इस एपी की पहली निगेटिव टर्म कौन से नंबर की होगी, पहली निगेटिव टर्म। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ मुझे, होते होते ये डिक्रीजिंग होते होते कहीं पर जीरो भी देगी, कहीं पर ये वैल्यू जीरो भी देकर जाएगी। आपको पता है ये फर्स्ट टर्म का काम करेगी, और कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 121 से 117 हो गया, तो पहली बार डी माइनस में आएगा। कितने का फर्क है, चार का फर्क है, क्योंकि 21 और 17, 17 चार 21, तो माइनस का 4 डिफरेंस कितना आ गया, माइनस के 4। तो आप एक काम कर लो, आप इसको एकदम सॉल्व कर दोगे, आप ये पता लगा लो कि कौन से नंबर की टर्म जीरो है। अगर आपने ये पता लगा लिया ना कौन से नंबर की टर्म जीरो है, तो जाहिर सी बात है उससे अगली टर्म जो होगी वो निगेटिव टर्म होगी। तो आप लेट अस सपोज कि nth नंबर की टर्म जो है वो जीरो है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू जीरो। ए कितना, फर्स्ट टर्म 121 है, प्लस एन माइनस का 1, एन ये तो आपको चाहिए, डी कितना, कॉमन डिफरेंस माइनस का 4 इज इक्वल्स टू जीरो। ये निगेटिव हो जाएगा, उधर जाएगा पॉजिटिव, तो 121 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एन माइनस का 1। ठीक है, 4 डिवाइड में ले आओ, 121 को 4 से डिवाइड कर दो, इधर बचेगा एन माइनस का 1। 121 को 4 से भाग कर लो, 4 × 3 = 12, घटाने पर 0 बचा, उतार लिया 1 नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। तो आप पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 30, पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा दे, 4 × 2 = 8, तो 30.2। तो यहाँ पर आ चुका है n माइनस का 1 इज इक्वल टू 30.2, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 31.2। अब देखो 31वीं टर्म, 31.2वीं टर्म ऐसी है जो जीरो होगी, तो इसका मतलब 32वीं टर्म, ये फिर कंफर्म हो गया, 32वीं टर्म जो होगी वो डेफिनेटली निगेटिव टर्म होगी। क्योंकि जब 31.2वीं टर्म जो है जीरो पर पहुंच गई, 31.31 टर्म तो पूरी हो गई, लेकिन थोड़ी सी फालतू टर्म 31.2वीं टर्म जो है ये जीरो है, तो इसका मतलब 32वीं टर्म डेफिनेटली एक निगेटिव टर्म होगी। तो 32वीं टर्म कहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आपसे यही पूछा था फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सी है, तो 32वीं टर्म। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।